दोस्तों कुकिंग लाइव विश्वदा किचन में आज हम बनाएंगे केले का हलवा। जब भी हमारे घर में केले बच जाते हैं और पीले हो जाते हैं जैसे, तो उनको आप फेंके मत, उनसे बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होता है। तो ये मैंने आज पके हुए केलों से ही हलवा बनाया है, वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं केले का हलवा बनाना। तो उसके लिए चाहिए, ये मैंने पके हुए केले लिए हैं 3, और उसके बाद हम घी लेंगे। ये मैंने देसी घी लिया है 1 कटोरी, और ये हम शुगर लेंगे, इसके जगह आप बूरा भी ले सकते हैं। और ये मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम जो भी आपके पास वो ले लीजिएगा। और अब हम केले को ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो इसके हम पीस बनाकर मिक्सर ग्राइंडर में डाल रहे हैं, तो इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखिए आप, केलों को हमने मिक्सी में पीस लिया है। तो उसके बाद हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। उसके बाद ये काजू हैं, काजू कट कर लिए हैं, उनको डाल दिया है। तो इनको हम सुनहरा कलर आने तक पकने देंगे, ज़्यादा नहीं हमें फ्राई करना है। अभी निकाल लेंगे, उसके बाद जो घी बच चुका है तो उसमें ही हम केले का जो पेस्ट बनाया है उसको डाल देते हैं। और मीडियम आंच पर हम करछी की सहायता से हिलाते रहेंगे ताकि जो हमारे केले का पेस्ट है वो अच्छी तरह से पकता रहे। और ये देखिए आप, ऐसे चलाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए आप, कलर भी चेंज हो चुका है, ये अच्छे से पक गया है। इसमें हम 1 चम्मच और घी डाल देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे करछी को। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसमें। इसको आप खाएंगे पता भी नहीं चलेगा कि ये केले का ही हलवा बना है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये ऐसे ही देखिए, अब ये कढ़ाई से अलग होने लगा है, अभी अच्छी तरह से पक गया है। तो इसमें हम अब शुगर ऐड कर देंगे। शुगर आप अपनी इच्छा अनुसार डालेंगे, जैसे आप खाना पसंद करते हैं मीठा, इसकी जगह आप बूरा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से पक गया है हलवा, और ये केले का हलवा बनकर तैयार। ये देखिए आप, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें आप मीठा थोड़ा सा ज़्यादा कर रखिएगा और इसे आप बनाकर फ्रिज में रख दीजिएगा और ठंडा होने के बाद ही खाइएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये केले से बना हुआ हलवा है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए आप, काजू भी डाल दिए हैं और ये अच्छे से हलवा बनकर तैयार है। अब ये बिल्कुल भी नीचे पे करा है, इसको कढ़ाई बिल्कुल कढ़ाई से अलग हो चुका है और ये बनकर तैयार है। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।